डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में बताता हूं, क्योंकि ये कंसेप्ट हमें एक क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हैं, बाद में हमें ये जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट ज़ीरो जो है हमारा, यूनिट फर्स्ट जो है मैथमेटिकल टूल्स में मैं ये सारा पढ़ाऊंगा। मैथमेटिकल टूल्स में हमें ये पूरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़नी है, लेकिन ये पूरा मैथमेटिकल है इसलिए मैंने ये बाद में पढ़ाना है, क्योंकि इसमें आप लोगों को ये समझना है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कंसेप्ट थोड़ा मैं बताता हूँ। अगर हमें लिखा होगा कहीं पर डी अपॉन डी एक्स, या इस तरीके से लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ते हैं इसको? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई अपॉन डी टी को क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू टी। अगर डी एक्स अपॉन डी जेड होगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जेड। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जेड। तो इस तरीके से ये पढ़ा जाता है डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट। लेकिन अगर अब आप लोगों को क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को? फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा बताता हूँ कंसेप्ट। अगर कहीं पर एक्स रेज पावर एन की डिफरेंशिएशन होगी, ऐसे डिफरेंशिएट एक्स रेज पावर एन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये आप लोग समझे, डिफरेंशिएट एक्स रेज पावर एन, एक्स रेज पावर एन की डिफरेंशिएशन है, याद रखना आप लोग, एन को लाना है फ्रंट में, एन को लाइए फ्रंट में, हो गया एन एक्स, एन को फ्रंट में लाना, तो एन को माइनस करना है वन, रेज पावर एन माइनस वन। इसलिए एक्स रेज पावर एन की डिफरेंशिएशन क्या बन गई? एन एक्स एन माइनस वन। इसी तरीके से ज़रा बता दीजिए, एक्स रेज पावर फाइव की डिफरेंशिएशन क्या बन गई? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज पावर फाइव की हो गया फाइव एक्स रेज पावर फाइव माइनस वन, फाइव को आगे लाना, फाइव का पावर वन करना, हो गया फाइव एक्स रेज पावर फाइव, ये बन गई डिफरेंशिएशन। ज़रा आप लोग मुझे बता दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज पावर एट, ए इसकी डिफरेंशिएशन क्या है? इसकी डिफरेंशिएशन आएगी, एट को लाना पड़ेगा फ्रंट में, हो गया एट एक्स, एट को कम करना है वन, एट माइनस वन, हो गया एट एक्स रेज पावर सेवन। आंसर एक्स रेज पावर एट की डिफरेंशिएशन क्या है? एट एक्स रेज पावर सेवन। एक्स रेज पावर टू की डिफरेंशिएशन क्या है? टू को फ्रंट में लाना है, टू एक्स रेज पावर टू माइनस वन, हो गया टू एक्स रेज पावर वन विच इज इक्वल टू टू एक्स। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन, याद रखिए, इस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो
इंटीग्रेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।